हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। अब जानते हैं मित्रों कि प्रतिदिन 10th क्लासेस का रात को 9 बजे क्लास दिया जाता है, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाए और क्लास का आनंद लें। ठीक है मित्रों, आज की क्लास में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर दिया गया है और आज के क्लास में 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तीनों का बेहतरीन रूप से इसका आंसर दिया गया है, तो आप लोग देखना ना भूलेंगे मित्रों। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए और भी दोस्तों को बुला लीजिए। ठीक है, और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो क्लास चलेगी, जो ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस चलेगा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर विथ होमवर्क सीट आंसर जो विद्यासागर का जो बुक है उससे चलेगा। ठीक है, कल हमने किससे करवाया था, कल से करवाया था हमने जो कि क्वेश्चन बैंक था, है ना, SBFETCL क्या बोलते हैं, ब्रिलियंट का था, उसे हम करवाए थे। तो आज चलेगा विद्यासागर से, प्रत्येक प्रकाशन से प्रतिदिन करके करवाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी पूरी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम लोग साथ में लेकर चलते हैं ताकि आपको कभी भी दिक्कत परेशानी ना हो सके। इस तरह से हम लोग क्लास का हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था में इसके विकास के इतिहास, पहला चैप्टर उसका हम लेसन यानी चैप्टर 1 लेकर के चल रहे हैं और जितना हो सकता है उतना हमने प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरा मानना यही है कि पहला चैप्टर का बिल्कुल एकदम माठा महा जाए। ठीक है ना, इतनी बार प्रैक्टिस कर लें। पहला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है आर्थिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, आप तो कल क्लास कर भी किए थे तो आप आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। कमेंट बताइए, हमारी वे सभी क्रियाएँ जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल सही जो है मित्रों कि इसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। आपको हम परिभाषा में लिखवाए थे कि आर्थिक क्रिया क्या है। हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना, आर्थिक क्रिया मतलब कमाने वाला, मतलब ऐसा तुम काम कर रहे हो जिससे इनकम हो ही नहीं रहा, तो आर्थिक क्रिया होगा, मतलब आर्थिक क्रिया होनी चाहिए, पैसा मिलेगा तब ना भाई, कुछ अर्निंग होनी चाहिए तभी तो आर्थिक क्रियाएँ हुआ। अर्निंग नहीं हो रहा तो आर्थिक क्रिया हो नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है कृषि क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, किनके अनुसार अर्थव्यवस्था जीविका अर्जन की एक प्रणाली है, करने की, है ना, अर्थव्यवस्था जीविका अर्जन की क्या है प्रणाली है। आदा किसने कहा था, आपके सामने ऑप्शन भी है, लेविस ने कहा था, ब्राउन ने कहा था, और मिला हिक्स ने कहा था, या मेडिसन ने कहा था। तो अपने ऑप्शन के अनुसार आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए भाई जी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है मित्रों कि अर्थव्यवस्था जीविका अर्जन की प्रणाली है, प्रोफेसर ब्राउन ने कहा था। ठीक है ना, किसने कहा था, प्रोफेसर ब्राउन ने कहा था। तो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा का, है ना, प्रोफेसर ब्राउन ने जो अर्थव्यवस्था जीविका अर्जन प्रणाली, कल ही हम परिभाषा हम लिखवाए थे इनका भी, इनके अनुसार भी हमने लिखवाया था। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, जल्दी से देखिए कि बिहार बोर्ड में कितनी बार ये क्वेश्चन आई है। ये 2014 में भी आई है, कंपार्टमेंटल एग्जाम जो है ना, सप्लीमेंट्री वाला जो बोलते हैं आप लोग, और 2017 के भी एनुअल एग्जाम मतलब वार्षिक परीक्षा में, फिर उसके बाद 2018 के भी एनुअल एग्जाम, 2019 के, फिर 2021 बताए, इतनी बार आए हैं क्वेश्चन। अब इसका जल्दी से जवाब दीजिए, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनमें से सभी बताइए, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, आपको इतना देर नहीं होगा आंसर कमेंट करने में, केवल अपना क्वेश्चन नंबर और आंसर टाइप कर दीजिए। मान लीजिए जो कि 3 है, तो 3 का क्वेश्चन होगा, इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को, 3 C लिख के टिप दो आराम से, है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है, जल्दी से बोलिए, तृतीय क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र किसको कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को, चौथा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग होंगे बताइए। फोर नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से लिखिए, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है बताइए जल्दी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, या तृतीय क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है, तो यह प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। ठीक है, पशुपालन हो चाहे मत्स्य पालन हो, प्राथमिक क्षेत्र का अंग।
प्राथमिक क्षेत्र को कैसा क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को कैसा क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को कैसा क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसका जल्दी से जवाब दीजिएगा मित्रों। आज मैं इस वीडियो पर लाइक का टारगेट रखता हूँ 50 का। देखते हैं आप लोग 50 लाइक करते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत है? तो पशुपालन क्षेत्र। तो जल्दी से जल्दी है लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो लाइक जल्दी से जल्दी कर दीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 5वां नंबर, निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है। 5वां नंबर क्वेश्चन, निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। मतलब ये निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, बताइए। निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में? जल्दी से इसमें कमेंट कीजिए मित्रों। निर्माण होगा, तो निर्माण होगा तो मतलब क्या होगा? तृतीयक क्षेत्र होगा। 5वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ना। 5वां क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, द्वितीयक क्षेत्र। निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। तो 5वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। आप ही को बोल रहा हूँ, देखिए आपका भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। ठीक है, आप कर दीजिए। देखिए आप लाइक भी नहीं किए हैं, कर दीजिए जल्दी से। 6वां नंबर क्वेश्चन का, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? बताइए। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र बताइए क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। बताइए आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? बताइए। अभी तो मैं बार बार रिपीट करते हुए आ रहा था ना। तो 6वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है ना वो सेवा क्षेत्र है। 6ठा का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? बताइए अमेरिका में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? जल्दी से आप बताइएगा। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था बताइए। तो अमेरिका में जो है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। आपसे प्रश्न करेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं ना जब उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, व्यक्ति है ना, किसी निजी व्यक्ति मतलब खुद का अधिकार हो, है ना, किसी व्यक्ति का अधिकार हो, उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था, जब उत्पादन के साधन पर केवल सरकार का नियंत्रण हो तो उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये जब उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार हो, निजी का भी अधिकार हो और सरकार का भी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसे पाकिस्तान, बांग्लादेश में, मलेशिया, इंडोनेशिया भी है, लेकिन बात कर तो मिश्रित में जो है ना भारत सबसे अच्छा उदाहरण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जवाब दीजिएगा। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाएगा? ऑप्शन है, आर्थिक स्वतंत्रता, उत्पादक कुशलता, अधिकतम लाभार्जन या फिर लोक कल्याण। जल्दी से आंसर दीजिए, दीजिए फटाफट फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण को। तो 8वां का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताइए इनमें से कौन से ऐसे देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन आपके सामने, अमेरिका, रूस, भारत, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? अभी हमने जस्ट बताया, देखिए ना कितना बार क्वेश्चन पूछा, 2014 में, 17 में, 18 में, 19 में, 21 में। भले कुछ में कंपार्टमेंटल है, कुछ एनुअल है, लेकिन पूछा तो है क्वेश्चन।
कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, रूस में भी क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, लेकिन ये पूंजीवादी की ओर बोल रहे हैं। पूर्व सोवियत संघ मुख्य रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करती थी, और दुनिया में सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था पूर्व सोवियत संघ रूस में ही स्थापित हुई थी, जो कि 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के बाद, अक्टूबर क्रांति के बाद, लेनिन क्रांति के बाद, रूसी क्रांति के बाद। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति या संस्थान का अधिकार होता है? 10वां नंबर क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार? जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, निजी व्यक्ति या संस्थाओं का अधिकार होता है, तो निजी व्यक्ति रहेगा तो पूंजीवादी है ना, सरकार करेगा तो समाजवादी, दोनों करेगा तो मिश्रित। आगे देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर का सुधार होना या विकास होना क्या कहलाता है? समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर या सुधार होना, जीवन स्तर का सुधार होना, विकसित होना क्या कहलाता है, विकास होना क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय, समावेशी विकास, राज्य विकास, इनमें से सही बताइए। समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर का सुधार होना या विकास होना क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर का सुधार होना या विकास होना क्या कहलाता है? परिभाषा में आपको लिखवाए थे, इसको बोलते हैं समावेशी विकास बोलते हैं। ठीक है, तो 11 का बी ऑप्शन। 12वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है बताइए? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है? मनोरंजन करना, समाज सेवा करना, परोपकार करना, या फिर जीविकोपार्जन मतलब जीवन चलाने की व्यवस्था करना? बोलो, अरे बोलिए भाई जी, बोलिए। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है मित्रों? जीविकोपार्जन करना मतलब है ना जीवन चलाना, तो जीवन चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए भाई जी, तो आर्थिक क्रिया करेगा तब ना, फ्री में करेगा तो कहाँ से होगा यार। 13वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 2011 कंपार्टमेंटल, 2017 कंपार्टमेंटल, जल्दी से जवाब दीजिए। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही जवाब है 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया, ए ऑप्शन। 14वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजनाओं को पता ही होगा 1950 ईस्वी में 15 मार्च को, अभी हमने जस्ट कराया, और इसको योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग जो कर दिया गया, वो कब कर दिया गया था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, तो 14 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 2015 ईस्वी को भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में। 15वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है बताइए? योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। 7 को 8 को 9 को 10 का बताइए, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या। तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है भाई जी, जल्दी से बताइए, इसका उत्तर कमेंट कीजिए। तो योजना आयोग में ना सदस्यों की संख्या जो है ना 8 के लगभग, लेकिन बिहार बोर्ड में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे सही मार दीजिए, ठीक 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड में नहीं क्वेश्चन पूछा। 16 नंबर, इनमें से कौन योजना आयोग के पदाध्यक्ष होते हैं बताइए?
योजना आयोग के पदाध्यक्ष कौन होते हैं, जल्दी से बताइए। हाँ तो इसका सही जवाब मित्रों प्रधानमंत्री, ठीक है। 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। योजना आयोग के पदाध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। पदाध्यक्ष उसको बोलते हैं मित्रों जिस जो किसी काम के अलावा कोई काम करता है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री जी, उसके अभी योजना आयोग के ही बन रहे हैं अध्यक्ष, तो इसको बोलते हैं क्या, पदेन बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी हैं। तो अच्छा बता, आपसे अगर कोई पूछेगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भाई भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री होगा वो हो जाएगा, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है कि नहीं, इस तरह से आप जवाब देना चाहिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या है। भारत में भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कहेंगे क्वेश्चन देखिए, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइए आप लोग, आंसर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर देख के आंसर कमेंट कर दीजिए। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष बताइए, प्रत्येक लोगों के आंसर कमेंट कीजिए, करना है इसलिए तो टाइम दे रहे हैं। देखिए फिर भी आप लोग लाइक नहीं किए, अरे यार करिए जल्दी से, है ना, जब तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, है ना, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि मैं किस तरह के वीडियो डालता हूँ और कब डालता हूँ, ठीक है। तो 17वां का जो है ना सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, तेरह राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना क्या हुआ था, कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं ना तो इसको शॉर्ट बोलते हैं एनडीसी, ठीक है। और इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। तो 18वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को हुआ था एनडीसी का गठन। 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए, जिस देश की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। जिस देश की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, तो ये सब क्वेश्चन तो आपको लिखाया गया है, नोट पॉइंट बना करके लिखवाते काहे के लिए, इसीलिए ना आप जल्दी से सबका जवाब दीजिए फटाफट। बताइए जिस देश की राष्ट्रीय सर्वाधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, तो सर्वाधिक आय रहेगा तो विकसित देश कहलाएगा भाई, जहाँ पे राष्ट्रीय सर्वाधिक नहीं होगा वह विकसित कहलाएगा, है कि नहीं। 20वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आर्थिक विकास संबंधित किससे होता है, क्या परिमाणात्मक परिवर्तन से या फिर गुणात्मक परिवर्तन से, इनमें ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। आर्थिक विकास का संबंध होता है परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोनों, सी ऑप्शन, परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, दोनों हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन पर, तो 21वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, तो आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रीय, प्रति व्यक्ति है, राजकीय है, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा वह हम देखते हैं, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए फटाफट, आंसर कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर दे करके फटाफट। देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, बताइए। एक तरह ही क्या हो गया, राष्ट्रीय हो गया, तो क्या इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 22वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है, जब देश को आज़ाद मिली थी, आज़ादी हुई थी, तो उसके बाद क्या हो गया था मुख्य आर्थिक उद्देश्य, बताइए। तो आपके सामने ऑप्शन है तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन, या इनमें से सभी, तो आप जल्दी से जवाब दीजिए कौन सा सही उत्तर हो। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या रहा था, बताइएगा, अब बताइए भाई जी क्या रहा था। तो चाहते थे भाई कि निर्धनता मतलब गरीबी खत्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, तीव्र आर्थिक विकास हो, रोजगार के अवसर प्राप्त हो, रोजगार सृजन हो, तो 22 का डी ऑप्शन दे ही दिया है, तो ठीक है
सही जवाब हो जाएगा 22 करोड़। 23 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल क्या कहलाता है? बताओ, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होता है? बताइएगा जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 24वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र? 24 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। 24 25 25वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 25वां क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है? ऑप्शन है केरल, बिहार, राजस्थान, गोवा। तो इसका सही जवाब क्या है? आप जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। भारत में जो है ना सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? तो गोवा की है भाई जी। तो 25 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में है भाई? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या राजस्थान में? तो भाई बिहार में तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम ही है। 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 27वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 27वां नंबर का आप लोग सही जवाब दीजिए। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना घटक? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, वित्त होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा या नागरिक सेवा। आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक क्या हो सकता है? आर्थिक, समझ रहे हो ना, आर्थिक, आर्थिक मतलब रुपये, पैसे, धन, दौलत। तो निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना घटक है? आर्थिक आधारभूत संरचना घटक है क्या हो सकता है? आर्थिक आधारभूत, देखिए आर्थिक का मतलब क्या होता है? रुपये, पैसे, धन, दौलत। तो नागरिक सेवाएं से क्या आर्थिक प्राप्त होंगे? नहीं, नागरिकों का सेवा करना आर्थिक, आमतौर पर ना आर्थिक का मतलब होता है वैसे वित्त होता है, ठीक है ना। आर्थिक आधारभूत संरचना घटक क्या हो सकता है? वित्त हो सकता है। तो 27 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 28वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? WHO द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, UNDP द्वारा, यूनिसेफ द्वारा? इसका सही जवाब है 28 का सी ऑप्शन, UNDP द्वारा। जब HDI का पूरा नाम लिखवाए थे तो CA परिभाषा में ही ना था ये उत्तर, है ना। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो UNDP द्वारा। 28 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 29 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के पहले स्थान पर कौन से देश है? मानव विकास सूचकांक के पहले स्थान पर कौन से देश है बताइए? तो बिल्कुल सही जवाब है यार, नॉर्वे है। मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर कौन से देश है? नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक के भारत का कौन सा स्थान है बताइए? बताइए भाई, मानव विकास सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? तो पहले के बात हो रही है इसलिए 129वां ही होगा ए ऑप्शन। ऐसे अब 132वां पहुंच चुका है भारत। मानव विकास सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? 2023 की रिपोर्ट कहता है 132। देखिए कितना भारत की विकास रुक रही है। मानव विकास सूचकांक की जो संख्या जो है घटेगी ना तब आप मानिएगा कि वो सही है। एक पर आ जाएगा, अब एक पर कौन है? नॉर्वे है। तो आप समझिए कि नॉर्वे कितना खुशहाल देश है, सब चीज़ की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, न प्रति व्यक्ति है, न स्वास्थ्य की दिक्कत है, न शिक्षा। तो 30वां नंबर क्वेश्चन है, 31वां नंबर क्वेश्चन, बिहार का जीवन यापन का मुख्य साधन है? 2021 के एनुअल एग्जाम के अनुसार उद्योग, व्यापार, कृषि या इनमें से सभी बताइए। तो बिहार का जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? अरे बिहार में है ये कुछ ही है, उद्योग है, अरे कृषि है ना भाई जी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जो है।
मुख्य साधन पूछ रहा है कृषि। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण क्या है बताइए। बिहार में आर्थिक पिछड़ापन क्यों है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सही बताइए। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। तो देखो, बिहार का जो आर्थिक पिछड़ापन का कारण है ना, गरीबी है, ये है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है, ये बेरोजगारी है। तो कारण तो हम लिखवा भी थे, किए थे 8 को, है ना, निवारण 9 भी लिखवाए थे। 13 का जो डी ऑप्शन, 32 का जो डी ऑप्शन है ना, बिल्कुल सही जवाब है। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है बताइए। प्राथमिक क्षेत्र में कौन हो जाए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल है, जब कृषि है, ये है, खनन है, ये पशुपालन है, ये तीन में से सभी हो जाएगा। 33 का डी ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है बताइए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का कौन सा गुण है। निजी लाभ है, मूल्य तंत्र है, सामाजिक कल्याण है, या साधनों का निजी स्वामित्व है बताइए। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण कौन है, निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण, साधनों का निजी स्वामित्व बताइए। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाजवादी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है ना, वह है सामाजिक कल्याण का गुण। तो 34 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35 नंबर, ब्रटलैंड आयोग संबंधित है, समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, सतत विकास से, आर्थिक विकास से बताइए। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, सतत विकास से, आर्थिक विकास से बताइए। इसका सही जवाब है, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है ना, जानते हैं किससे संबंधित है, ये सतत विकास से, नोट करके हम आपको लिखवाए थे कि सतत विकास। 36 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। आपको तो सब सब क्वेश्चन पढ़ाया लिखाया गया है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई, तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना। 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को अटल बिहारी वाजपेयी के, ठीक है ना, प्रधानमंत्री यही थे, नई दिल्ली में प्रकाशित हुई। तो 36 का सी, बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन आई थी इस बार 2024 में। पूंजीवाद, देखिए इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना खत्म होता है, ठीक है। और आज जो है ना 3 वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब तीनों कौन कौन है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और एक क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और तीनों का नमूना परिभाषा है और याद बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। तो अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है बताइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो आप बोल, आपको बिल्कुल ही पता होगा कि जो परिभाषा हमने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्तियों का अधिकार हो तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कितने को पता नहीं कि उत्पादन के साधन क्या है। तो उत्पादन के साधन में, उत्पादन करने के लिए साधन क्या क्या की जरूरत पड़ती है। तो उत्पादन के 5 साधन हैं, आपको 9th क्लास के दिनों से पढ़ाए थे, भूमि, श्रम, पूंजी, है ना, संगठन, और साहस, ठीक है ना। तो 5 गो है ना, तो ये क्या है, उत्पादन के साधन है। तो जब उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्तियों का अधिकार हो तो उसे क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे अमेरिका में है, जापान में, ब्रिटेन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर, फ्रांस इत्यादि देशों में, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या, तो आपके बुक में दिया है अमेरिका, अमेरिका दिया गया है, उसके बाद फिर दिया है कौन, ऑस्ट्रेलिया भी दिया है, और उसके बाद फिर लगता है कि ब्रिटेन दिया हुआ है। तब 3 गो के ना याद रखिएगा ज़्यादातर, बाकी जो है से एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है, ठीक है, जो जो देश में है कुछ कुछ देश। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। जब उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। आपको बताया ना, आप केवल एक लाइन पहले शुरू में याद रखिए कि जब उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। उत्पादन के साधन कौन है भाई,
भूमि है, श्रम है, पूंजी है, संगठन है, साहस है, पांच को उत्पादन के साधन होता है। तो यह कौन कौन सा देश में है भाई? तो रूस में है, चीन में, क्यूबा में, वियतनाम में, उत्तरी कोरिया में, है ना। अब तो भाई रूस भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, क्योंकि पहले जो रूस था ना, सोवियत संघ रूस, जो 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद जो बनी थी, जो पहला समाजवादी व्यवस्था लागू हुआ था, वह था रूस। 1991 के बाद तो टूटता चला गया धीरे धीरे। आज भी जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है वो रूस का ही अंग है, यूक्रेन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सिंपल बात है, पूंजीवादी और समाजवादी के बातों को मिला दीजिए, होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जब उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्तियों और सरकार दोनों का नियंत्रण हो, तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिस देश में सरकारी और प्राइवेट दोनों हो, जिस देश में केवल प्राइवेट हो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिस देश में केवल सरकारी हो उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था, और जिस देश में प्राइवेट और सरकारी दोनों हो उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो कहिए कि अब ना समझ में आया? तो आप अंग्रेजी समझते हैं तो प्राइवेट और कुछ समझते हैं, प्रकाश प्राइवेट और सरकारी समझते हैं, तो क्या कीजिएगा, समझ में तो आए कहीं वैसे। तो उत्पादन के साधन का मतलब क्या होता है? उत्पादन के साधन मतलब होता है पांच को साधन है उत्पादन के, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, है ना। तो जब उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का नियंत्रण हो, तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है भारत, फिर पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। तो ज़्यादातर आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो भारत रहेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है भारत में, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है से आज का क्लास कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है शेयर करें भाई जी, और दोस्तों को बुलाइए, और लाइक ज़रूर कर दिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बात ना किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा केवल आंसर देने पर ध्यान दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। आपको जैसे क्लास करवा ही दे रहे हैं, क्लास है ना, आपको जैसे ऑफलाइन क्लास पढ़ा ही दे रहे हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, उसके बाद फिर आपका टेस्ट भी हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट पक्का ही हो जाएगा और प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से होगी, ठीक है। तो हम क्लास को समाप्त करते हैं, ओके बाय। क्लास को हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।